सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से जुड़ी लगातार सबसे तेज अपडेट। तो सबसे तेज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, आज एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जो एजेंसी आप लोगों की परीक्षा कराई थी यूपीएसआई एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, वही एजेंसी फिर से आपका एग्जाम कराएगी जो 5 दिसंबर से शुरू होगा। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। इसमें लिखा हुआ है, दरोगा के पद पर सीधी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक बार फिर उसी कंपनी को दे दी गई है जिसने पिछली बार मानकों की अनदेखी की थी और पेपर लीक हो गया था। यह काम मुंबई की एजेंसी NSIIT को दिया गया है। बता दें कि दरोगा के लिए 3,307 पदों पर भर्ती वर्ष 2016 के लिए 17 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। इसके लिए प्रदेश के 22 जिलों से 97 केंद्र बनाए गए थे। 25 जुलाई को पेपर लीक होकर सोशल मीडिया पर आ गया था। DGP ने इस मामले की जांच STF को सौंप दी थी। भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा निरस्त कर दी। अब यह परीक्षा नए सिरे से 5 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच कराई जाएगी। मजे की बात यह है कि यह परीक्षा फिर से वही एजेंसी कराएगी जिसने पिछली बार कराया था। 24 अगस्त को पूरे मामले पर STF ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी की लापरवाही की बात कही थी। STF ने बताया कि एजेंसी ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के मानकों की अनदेखी की है। सिक्योरिटी के कुल 138 मानक थे जिसमें से अधिकतर का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा इस एजेंसी ने ना तो परीक्षा केंद्र पर काम करने वालों का सत्यापन कराया और ना ही वहाँ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा जांची। इस नाते से पूरे सिस्टम में सेंध लगाना काफ़ी आसान था। सूत्रों के अनुसार STF ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी पहलुओं को शामिल किया जिसका पूर्व में खुलासा किया गया था। इसके बावजूद उसी एजेंसी को दोबारा परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस एजेंसी का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का बात भी कही गई थी, लेकिन इसकी सिक्योरिटी अभी तक गृह विभाग या उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड को नहीं मिल पाई है। तो मित्रों, आप देख ही रहे हैं कि फिर से वही बोर्ड परीक्षा कराएगी। अब क्या होता है, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।